मौलाना फजल रहमान और पीटीआई मुश्तरका मुसविदा तैयार कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिली तो पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे देगी। रऊफ हसन के बयान ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में एंकर पर्सन समर अब्बास ने रऊफ हसन से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तो आपको बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। पिछले हफ्ते असद कैसर ने एक इशारा दिया था कि अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी गयी तो ऑप्शन बड़े महदूद हो जाएंगे और फिर असम्बली से निकलने वाला ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्या पीटीआई ऐसा कोई कदम उठा सकती है? रऊफ हसन ने जवाब दिया कि ऐसा कोई ओपिनियन इस वक्त हमारी पार्टी के अंदर नहीं है कि हमने असेंबलियों को छोड़ना है, बल्कि पार्टी ओपिनियन ये है कि हमने असेंबलियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गंद किया है और जो स्पीकर्स ने लेटर लिखा है उन सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एंकर ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों से मुलाकात में कहा था कि वो पीटीआई का इनपुट लेकर एक मुसवदा शेयर करेंगे, तो आप लोग इनपुट देने के लिए तैयार हैं? रऊफ हसन ने जवाब दिया कि हम बिल्कुल इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अगर किसी पॉइंट पर जरूरत हुई तो एक मुश्तरका मुसवदा हमारी तरफ से जा सकता है।